प्रदेश के इस घूसकांड में जाल में फंसे सभी आरोपियों को अब कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इन सभी आरोपियों को अब अगली सुनवाई तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। हालांकि यहां एसीबी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर घूसखोरों के चेहरे से नकाब तो उठा दिया है, लेकिन इनका रुतबा आज भी कायम है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे देख सोचना आपको है कि आखिर ये कौन सा कानून है। जज साहब के घर पेशी भुगत कर ये पांचों आरोपी अब उदयपुर केंद्रीय कारागार पहुंच गए। पुलिस की बस में इन्हें यहां लाया गया। आखिर अब बारी थी सभी पांचों घूसखोरों को जेल में दाखिल कराने की। जरा इस तस्वीर को देखिए। पुलिस बस से उतरने वाले इन साहब का नाम है पंकज गहलोत। खान महकमे के एडिशनल डायरेक्टर रहे गहलोत साहब का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि सामने इन्हें जेल का बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। हाथ में लाल बैग जिसमें वो अपने कपड़े और तौलिया भी रखे हुए थे। एसीबी का एक कर्मचारी इन्हें पकड़े हुए था और ये आरोपी चुपचाप इसके इशारे पर चलता रहा और सीढ़ियां चढ़ता रहा। पहले गहलोत और बाकी के तीन आरोपी बस अब बड़ी जेल के दरवाजे चंद कदम दूर ही थे। अब जरा इन साहब को भी देख लीजिए। सफेद लिबास में रहकर पहले काला कारनामा किया और अब रुमाल से चेहरा छिपाने की नाकामयाब कोशिश। चार आरोपी तो यहां पहुंच चुके थे, लेकिन अब बारी थी पांचवें आरोपी की, यानी अशोक सिंघवी की। लेकिन साहब ये बस में नहीं, इस सफेद बोलेरो में सवार थे। जीप रुकती है तो साहब उतर जाते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहां जेल में दाखिल होने से पहले किसी भी कैदी के सामान की तलाशी ली जाती है। जेल के गेट पर तैनात आरएसी के जवान हर सामान की तलाशी बड़ी बारीकी से करते रहे। बस फिर सभी आरोपियों को पैदल जेल के दरवाजे तक ले आया गया और छोटे दरवाजे से अंदर कर दिया गया।
लेकिन अब बारी थी बड़े साहब की, घूसखोरों के मुखिया की। लेकिन जहां ये सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे थे, वहां से जेल के मुख्य दरवाजे की दूरी चंद कदम ही थी। लेकिन यहां तस्वीर पलट गई। अब सिंघवी को भी अंदर दाखिल होना था, लेकिन वो पैरों से नहीं गए, बल्कि वो एक बार फिर उसी जीप में सवार हो गए जिस जीप में वो यहां तक पहुंचे थे। नीली बत्ती लगी पुलिस जीप मुख्य दरवाजे पर उन्हें लेकर पहुंची, क्योंकि शायद वो अब ज्यादा नहीं चल सकते थे। और फिर खोल दिए गए जेल के बड़े दरवाजे, क्योंकि साहब भी बड़े ही थे। ये जीप सिंघवी को लेकर अंदर दाखिल हो गई और फिर तोड़ दिए गए सभी नियम और कायदे। यहां सिंघवी के लिए जेल के नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि नियम तो यही है कि जेल में दाखिल होने वाले किसी भी आरोपी को पैदल ही अंदर जाना होता है। बस अब सवाल ये कि आखिर उस जीप में ऐसा क्या था जिससे सिंघवी के साथ ही अंदर दाखिल कराया गया और जो अंदर करीब 15 मिनट तक रही। लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। आखिर मामला बड़े साहब से जो जुड़ा था, फिर चाहे इनसे पहले अंदर दाखिल होने वाले इनके गुर्गों को कितनी ही चलन क्यों ना हो, आखिर फर्क क्या पड़ता है, साहब बड़े हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु राव की रिपोर्ट।